का टेम्परेचर हुआ 5 डिग्री से कम, ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 9, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वन अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? हम तो दिल्ली वाले बहुत अच्छे हैं, समझ में आ रहा है वो आप लोग को टेम्परेचर देख के। ये देखिए अभी सुबह 9 बज रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 5 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो गया है यहाँ पे। एकदम सुबह सुबह 4 बजे जब हमने चेक किया था तब 2 डिग्री था, अभी 5 या 6 है शायद, ऐसे ही कुछ है। खैर एनीवे, पर सबको ऑफिस तो जाना ही है, तो राज रेडी हो रहे हैं, उनको अभी कॉफ़ी दे के आई हूँ, वो अंदर पी रहे हैं कॉफ़ी। मैंने बोला चलो फिर सुबह सुबह का मौसम है और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया जाए, तो बस वही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, तो चलिए दिखाती हूँ राज क्या कर रहे हैं। ये मैं बाहर गई थी शूट करने, तो ये हमारी महारानी यहाँ से हमको देख रही है। इसको तो हर चीज़ देखना है, हर चीज़ देखना है। सामान मैंने यहाँ पे अभी रखा है, इन सब सामान को सेट करूँगी, ये जो कल आया था बस ये निकल जाए तो फिर मैं सेट करती हूँ। हाँ, इतने ठंड में मज़ा आ रहा है ऑफिस जाने का? तो चलिए बस ये ऑफिस निकल जाए, मैं भी ये सब सेट करती हूँ, उसके बाद बाकी अपना काम शुरू करती हूँ। फिर काम कर लूँ उसके बाद मिलती हूँ। आज मैंने इनको लंच में बना के दिया है फ्राइड राइस, तो वही फ्राइड राइस फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया कि मेरे को दोपहर को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो मेरा भी हो जाएगा दोपहर को। बस गर्म कर लूँगी और इनको अभी अभी बना के दिया है, बस उतर नहीं पा रही। देखो यहाँ चढ़ तो जाती है, उतर नहीं पाती तो फिर ऐसे करके बैठ जाती है कि मेरे को उतालो, मेरे को उतालो, मेरे को उतालो। तो चलिए गाइस, फिर मैं अपना थोड़ा सा काम फिनिश कर लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। गाइस, तो बस सारा काम खत्म करके अब नहा के आई हूँ, डोडो को भी खाना दे दिया है। डोडो को आज खाने में मैंने स्वीट पोटैटो दिया, स्वीट पोटैटो के साथ थोड़ा सा सोयाबीन मैश करके दिया था, तो उसने भी अपना खाना खा लिया, थोड़ा सा बचा है, चलते फिरते वो खा ही लेगी। तो मैं भी अपना सारा काम खत्म करके आ चुकी हूँ, मैं भी बस अब लंच करूँगी। लंच में आप लोगों को पता ही है, जो सुबह राज को ब्रेकफास्ट बना के दिया था फ्राइड राइस, वही खाऊंगी, सिर्फ एक पापड़ फ्राई किया है उसके साथ। और ये भी हेड वॉश वगैरह भी कर लिया आज मैंने, ये ठंड में ना बिल्कुल भी सर्द होने का मन नहीं करता, लेकिन फिर आज मंडे था तो इसीलिए हेड वॉश करना था तो मैंने कर लिया। बस यही सब था आज का, तो अभी तक का तो यही सब रूटीन है, बाकी चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सबसे पहले तो लंच करती हूँ, उसके बाद देखूंगी जो होगा वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर फटाफट से लंच करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 हो चुके हैं, अभी तक मैंने लंच नहीं किया है, तो लंच कर लूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस इसने खाना खा लिया ना, इसके अंदर एनर्जी आ गई, अभी ये फुल एनर्जी के साथ देखो पागलपंती कर रही है। अभी दिखाती हूँ क्या कर रही है तू ये। देखो थोड़े से इसके बाल बड़े हो गए ना, तो मैंने ऐसे इसको क्लिप लगा दिया है। ये क्या कर रही हो इसके साथ? क्या चाहिए? देख उसको मारेगी पकड़ के, अगर असली वाला सामने आ जाए ना तो भीगी बिल्ली की तरह भाग जाती है, और पता है इसमें कुछ नहीं है तो इसको मारेगी पकड़ के। ये देख देख देख, क्या चाहिए, उठा के ले जाऊं ये? तो चलो ये अपना मस्ती करती है, मैं अपना लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेरा आज का मंडे लंच फ्राइड राइस, और मैंने एक पापड़ फ्राई कर लिया। इसका दही खाने का मन नहीं था क्योंकि ठंड हो रही है, हेड वॉश भी किया था इसी वजह से, और दही का रायता नहीं बनाया, सिर्फ पापड़ फ्राई कर लिया है। तो चलिए फटाफट से लंच करते हैं फिर। अभी बज रहे हैं 4 और इतनी ठंड हो रही है कि मुझे हीटर चलाना पड़ा लास्ट में। डोडो भी हमारी सो रही है बिल्कुल, पहले बेड पे सो रही थी, फिर वहाँ जाके सोफे के ऊपर जाके सो रही है। अभी चलेगा आधा घंटा एक घंटा हीटर चलेगा, तब जाके ये आधे घंटे एक घंटे से तो खैर ऊपर का रूम है, तो इतनी ठंड हो रही है ना कि अभी मैंने जाके हीटर चलाया है। वैसे आधे एक घंटे से तो कुछ होने वाला नहीं है, टॉप फ्लोर है बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट फिर भी थोड़ा सा बेड के पास रखते हैं ना तो मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल करने लायक तो हो जाता है ठंड। डोडो भी हमारी सो रही है, पहले यहीं सो रही थी बेड में, अब जाके सोफे पर जाके सो रही है। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ी सी झपकी ले लेती हूँ, जबकि क्या अभी विंटर्स के मौसम में सोना मतलब 7 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती, बट एक घंटा कम से कम कोशिश करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने की। सॉरी,
तो चलिए फिर आपसे मैं सीधा इवनिंग में मिलती हूँ। अब मेरे को बहुत तेज जब नींद आ रही है, सुबह भी जल्दी उठ गई थी मैं, तो बस शाम को उठती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी थोड़ा हीटर के सामने थोड़ा सा सोया जाए, कब तक देखते हैं। वैसे हीटर चला के तो सोऊंगी नहीं, अभी थोड़ी देर वो चलने देती हूँ, फिर बंद करके उसके बाद ही सोऊंगी, नहीं तो फिर आंख लग जाती है ना, तो ऐसे सेफ नहीं होता इसी वजह से। मैं कहीं, हे गाइस, गुड इवनिंग। तो मैंने ना, मुझे थोड़ा सा नीचे जाना था, मैंने ऐसे ही मतलब इसको मजाक मजाक में बोला कि मतलब मैं अपने आप से इसके एली के साथ बात कर रही थी कि मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। ये देखो क्या कर रही है यहाँ, मतलब अब इसको भी जाना है नीचे। नहीं, मैं नीचे नहीं जा रही, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सुन लिया कि मुझे केमिस्ट जाना है और ये गेट पे आके खड़ी हो गई है। अभी इतना चालाक है ना ये, देख, चालाक प्रो, चालाक है ना। तो चलिए, इतने ठंड में तो इसको नहीं लेके जाऊंगी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, अभी ठंड लग जाएगा। वैसे भी सब नीचे इसको देखते हैं ना, डांटते हैं कि इतने छोटे में इसको क्यों नीचे लेके आते हो, पर फिर भी ठीक है। मुझे थोड़ा सा ऐसी केमिस्ट में जाना था अपना ही कुछ एसेसरीज लेने के लिए, तो बस वो लेके आते हैं, उसके बाद फिर खाना वाना बनाऊंगी। खाने में आज मंडे ही है, नॉर्मल दाल चावल और कुछ भाजा भूजा ही करूंगी। देखती हूँ क्या बैंगन फ्राई कर दूंगी, सेम फ्राई करूंगी और दाल चावल, दैट्स इट, मंडे को एकदम सादा खाना। तो चलिए फिर होके आती हूँ नीचे, केमिस्ट जाके अपना सामान लेके आती हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना बना लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। केमिस्ट आई थी और यहाँ पे जूते की शॉपिंग चल रही है। मैं आई थी केमिस्ट और यहाँ ले खरीदा जा रहा है जूते चप्पल। बस यहाँ से फ्री होके फिर केमिस्ट चलती हूँ, पैसे जो लेने आई थी ना वो मिल नहीं रहा। ऐसी है, रास्ते में जाते हैं कुछ ना कुछ दिख जाता है, हमारे मतलब का फिर हम शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बोला था मैं केमिस्ट जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ सामान लाने, आपने देखा ही, खैर सामान तो मैं कुछ ले नहीं पाई। मतलब सीरियसली इन्होंने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया ना, कि मुझे बोला कि मेरा ना एक जो पहले ये पुराना वाला फोन था, ये अभी मतलब मैं इसको अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज करती हूँ, जो मेरा काम चलता है वो इस फोन से चलता है, तो इस वाले फोन में मैं उसको छेड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर हैंग वैंग होने का फोन टेंशन रहता है। तो पुराना वाला फोन में पहले इसको सही करवा के इसमें काम चला रही थी, ठीक है। और अभी मैं जब गई थी ना, ये वाला जो फोन था मेरा, इस ये जो फ्रिज का पॉकेट है ना, मैं इस पे रख के गई थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन मतलब इनके हाथों से गिराए फोन, और इन्होंने मेरे बच्चे का नाम दे दिया कि मेरे बच्चे ने फोन गिराया, बल्कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, और मुझे फोन करके बोल रहे हैं रास्ते में कि तुम फोन कहाँ रख के गए थे। मैंने बोला फोन तो यहाँ रखा हुआ था मेरा। कह रहे फोन गिर के उसका डिस्प्ले टूट गया। मेरा वहीं पे मतलब मेरा माथा गर्म हो गया, कि मतलब मेरे को ये टेंशन आ गई कि मैं कल सुबह कैसे लॉग इन करूंगी। अभी तो ये रात को मैं इसको कहीं सही भी नहीं करवा सकती, कुछ भी नहीं करवा सकती। मेरे को लगा पूरा ही डिस्प्ले उड़ गया। मैं वहां से भागते भागते घर आई हूँ, कुछ सामान नहीं खरीदा, मतलब मेरी इतनी ज्यादा मेरी सांस फूल रही थी। बट फाइनली आके मैंने देखा, ये आप लोग ये देखिए, ये वाला जो थोड़ा सा है ना, इसका ये वाला कॉर्नर का डिस्प्ले उड़ चुका है। मतलब ये काम इसमें चल जाएगा, बस इसको एक दो दिन और चला लूँ, मतलब चल जाए, जैसे मैं जैसे तैसे करके चल जाए, दो चार दिन चल जाए, तो फिर सैटरडे संडे जो वीकेंड रहेगा उसमें इसको दे दूंगी, ये रिपेयर होके आ जाएगा। मतलब इतना झूठ बोलते हैं ये। फिर मैंने आके इनसे पूछा, सच बताओ फोन कैसे गिरा। कह रहे मैं ना एली को मतलब डोडो के साथ ऐसे मस्ती कर रहा था, और डोडो ने ऐसे झपट्टा मारा और फोन गिर गया। तो मैंने बोला तुम मस्ती कर रहे थे जब, तो तुमको ये फोन के बगल में मस्ती करने किसने बोला था। तो कह रहे कि वो गलती से हो गया। मैंने बोला जब गलती से हो ही गया था, तो एटलीस्ट कम से कम मेरे डोडो का नाम तो मत देते तुम। मैं वहां पर बिल्कुल ही टेंशन में आ गई थी। अभी बैठे अभी घर पे बात कर रहे हैं, मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ का फोन आया है, तो उनसे बातचीत चल रही है अभी। तो ये सब सिचुएशन था। मतलब मैं एक सामान खरीदने गई हूँ, मैं ढंग से सामान खरीद भी नहीं पाई। मैंने जस्ट केमिस्ट में ऐसे देखा ही था उसको, मतलब उसके पढ़ रही थी उसके पीछे का चीज, डेट मैन्युफैक्चर वगैरह, डेट फेल वगैरह देख रही थी। इतने में मेरे को फोन आया, मैं उसको वैसे ही पटक के आ गई। केमिस्ट वाला कह रहा है मैडम क्या हुआ क्या हुआ। मैंने बोला मैं बाद में आती हूँ, अभी आप रखो, मैं बाद में आती हूँ। और आके देख रही हूँ ये महाराज यहाँ पे ये कारनामे करके बैठे हुए हैं। तो बस अभी मैं खाना भी बना रही हूँ, डोडो का खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है, उसका भी खाना दे दूंगी। मेरा खाना बन रहा है, बस खाना बन जाए तो हम लोग खाना खाते हैं। एक बार इनके मुंह से ही सुन लेते हैं जरा कि इन्होंने क्या काम किया है। आपने क्या किया था एक बार बताएंगे जरा ठीक से। मैंने ये स्माइल मत दीजिए, आपने क्या किया था अभी,
और आपने डोडो का नाम दे दिया। यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं जैसे घर से अंदर गेट पे एंट्री किया। तुम आपने डोडो डोडो को किसने बोला था आपके फोन के सामने डोडो को ऐसे ऐसे खिलवा? मैंने मैंने एक विंस लेके आया था, तो विंस इसको ऐसे दिखाया, तो वो विंस देख के ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, मतलब वो उछलने लगी। तो जैसे उछलने लगी उसकी पैर नहीं तो उसके जो भी पंजे है उस वो लग गया फोन पे, वो फोन यूं उछला। तो बस बस रहने दो, अपना गलती मानेंगे नहीं। अब उस बेजुबान की गलती दे दे रहे कि पता है मैं तो उसे कुछ बोलूंगी नहीं, ठीक है भाई हो गया, क्या कर सकते हैं, अब उसे कुछ कर तो सकते नहीं है। फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए, ये फोन तो एक गया दूसरा आ जाएगा, इसीलिए अब सारा ब्लेम इसके ऊपर मार रहे हैं। कोई नहीं, चलो अब जो हुआ सो हुआ, मतलब वो एटलीस्ट बच गया। मुझे ये टेंशन था कि मतलब मेरे को ये टेंशन हो रही थी कि वो बिल्कुल ही ना चला गया हो, बट एक कॉर्नर गया है। कोई नहीं, सैटरडे संडे वीकेंड वाला दिन देख के उसको सही ठीक करा लूंगी। पहली साली आएगी है, बोलो ना। शायद आप ज्यादा मत बोलो तुम तो। बस अभी खाना बना रही हूँ, किचन का बहुत बुरा हाल है, बस खाना वाना बना ले फिर खाना खाते हैं। मंडे एकदम सादा खाना बनता है हमारा, वेज। प्याज लहसुन खा लेते हैं, पर ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं प्याज लहसुन खाना। हाँ, जब कोई सब्जी वब्जी बनती है तब की बात अलग है, नहीं तो बिल्कुल ही अवॉइड चलता है। तो बस खाना बना लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। क्या किया, तुरंत आई और ये छीन लिया, मेरे बालों से निकाल लिया। तो बस खाना वाना खा के आके अब सो रही हूँ, मिलती हूँ फिर। वैसे ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और इसलिए और लंबा नहीं करूँगी, इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय।